यहाँ पे 3 पेशेंट आए हैं जो अभी बड़ी दुर्घटना हुई थी। सबसे पहले तो जो लोग आज इस दुनिया में नहीं, मैं उनको संवेदना उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। और बहुत दुख का विषय है, ये बहुत बड़ी घटना हमारे क्षेत्र में हुई है। और वहाँ से 3 लोग यहाँ पे, मतलब 2 बच्चे और एक बड़ा एक जो मरीज है वो यहाँ पे आया। और मैं समझ रहा हूँ कि भगवान की कृपा रहेगी तो वो तीनों के लिए हम लोग दुआ भी कर रहे हैं। ठीक स्थिति है, 2 बच्चे जो हैं बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके पैर में चोट है, उनका फ्रैक्चर है, इलाज प्रॉपर हो रहा है। और दूसरा जो बड़ा बच्चा जो यहाँ पे आया है उसके नेक में यानी गर्दन में थोड़ी दिक्कत है, उसका पूरा पहले जाँच हो रही है उसकी पूरी। मुझे ऐसा लगता है वो भी यदि डॉक्टर्स पूरी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, उसके डॉक्टरों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। पूरी टीम लगी है, पूरी टीम, मतलब ऐसा मैं देख के संतोष व्यक्त कर सकता हूँ कि जिस तरह से यहाँ टीम लगी है, प्रशासन लगा है, SDM और तमाम टीम यहाँ है, तो ये लोग तो बचेंगे। और बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत यहाँ पे होगी। हम लोग पूरा इनके लिए निगरानी भी रखे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ ये या और भी जो हमारे अन्य घायल हैं वो जल्दी उनको स्वास्थ्य लाभ मिले, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ऐसे कुछ जो इंजर्ड थे उनको रामनगर भेजा गया था, और रामनगर से जो कुछ इंजरी जो इसका ट्रीटमेंट एम्स में है उसमें 3 पेशेंट जो हमारे इंजर्ड हैं वो एडिबल में लैंड कर चुके हैं और उनको हम एम्स ऋषिकेश में लेके जा रहे हैं। कितना टाइम लगा सर वहाँ से यहाँ आने में, लगभग कितने घंटे से आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं? नहीं, जैसे हमको पता था कि वहाँ पर दुर्घटना हो गई है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सारी तैयारी के लिए कहा गया था, और दिन में हमने सारी तैयारी कर ली थी, और वहाँ से लेके आने में जो भी टाइम लगा होगा हमने वेट किया है, और आप पहुँच चुके हैं और हम लेके जा रहे हैं।